हेलो दोस्तों दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को चर्चा करेंगे, जो कि है पावर एंड अथॉरिटी। पावर एंड अथॉरिटी, मेरे दोस्तों, मैंने सोशियोलॉजी के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं, तो आप प्लीज़ मेरी सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पे सीक्वेंस में मैंने सारे लेक्चर क्रिएट किए हैं, उन सभी लेक्चर्स को आप देखें। आई होप वो लेक्चर्स आपको पसंद जरूर आएंगे। अगर वीडियोज अच्छी लगेंगी तो लाइक जरूर करें, और अगर आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। मेरे दोस्तों, पावर एंड अथॉरिटी दो टॉपिक हैं, इकट्ठे चलते हैं, इकट्ठे स्टडी करी जाती है इनकी। लेकिन वीडियो बड़ी ना हो इसलिए मैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। इस पार्ट में बेसिकली मेरा फोकस रहेगा पावर के ऊपर। पावर के बारे में मीनिंग पढ़ेंगे, डेफिनेशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और जो भी पावर के बारे में मेन चीजें हैं वो जानेंगे। और अगली वीडियो में हम अथॉरिटी के बारे में जानेंगे, और साथ ही मैक्स वेबर ने जो अथॉरिटीज के टाइप दिए थे, जो कि बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, वो जरूर डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। ये इंट्रोडक्शन जो है वो पावर एंड अथॉरिटी दोनों के टॉपिक को कवर करेगी, दोनों के लिए एक इकट्ठी सी इंट्रोडक्शन है। तो मेरे दोस्तों, हम सभी को पता है कि वी लिव इन अ सोसाइटी, वी कांट लिव इन आइसोलेशन। और सोसाइटी में फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एवरीथिंग, सब चीज़ अच्छे से हो, इसलिए बहुत ज़रूरत होती है कि सोसाइटी में पावर भी हो, अथॉरिटी भी हो। अगर सोसाइटी में हम लोग रहते हैं तो अगर हम हर एक काम ऑर्डर में करवाना चाहते हैं, प्रॉपरली करवाना चाहते हैं, और किसी से काम करवाना चाहते हैं कि इसके बिहेवियर को रेगुलेट करना चाहते हैं, तो सोसाइटी में पावर भी यूज़ की जाती है और सोसाइटी में अथॉरिटी भी यूज़ होती है। कैसे होती है हम एग्जाम्पल जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक फादर, जो फादर है वो अपने बच्चों के ऊपर पावर एक्सरसाइज करता है, अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है, और बच्चे कुछ भी ऐसा नहीं करते जिस जो कि गलत हो, जो कि इमोरल हो, जो फैमिली के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, फादर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। वैसे जो इम्प्लॉयर है, जो नौकरियां देता है लोगों को, वो इम्प्लॉयज़ के ऊपर पावर का एक्सरसाइज करता है। इम्प्लॉय कुछ भी ऐसा काम नहीं करता जो कि इम्प्लॉयर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो और अपने उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। वैसे ही अगर हम मास्टर की बात करें तो मास्टर एक सर्वेंट के ऊपर अपनी पावर का यूज़ करता है। सोसाइटी में आपको बहुत सारे एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर पावर का यूज़ करता है। उसी तरह ये तो पावर का यूज़ हो गया, फादर ने अपने बच्चों के ऊपर करी, मास्टर ने सर्वेंट के ऊपर करी, या फिर एक प्रिंसिपल ने एजेंट के ऊपर अपनी पावर एक्सरसाइज करी। इसी तरह अगर मैं अथॉरिटी की बात करूं तो हमारी सोसाइटी में अथॉरिटी का भी यूज़ किया जाता है वेरियस इंडिविजुअल के जरिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर चोरी होती है तो जो पुलिस वाले हैं वो अपनी अथॉरिटी का यूज़ कर उस चोरी करने वाले व्यक्ति को पकड़ते हैं, उन्हें अथॉरिटी मिली है चोर को पकड़ने की। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है तो जो हमारे मजिस्ट्रेट, जो हमारे जज होते हैं, सेशन जज, वो किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा भी दे सकते हैं, किसी व्यक्ति को जेल की सज़ा भी दे सकते हैं, क्योंकि उसने किसी का मर्डर किया। वो क्यों किसी को जेल की सज़ा दे सकते हैं, क्यों किसी को वो पर्सनल लिबर्टी को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये पावर दी गई है लोग के जरिए, क्योंकि अथॉरिटी है। तो मेरा मतलब बोलने का कि लोग, द पीपल यूज़ द टर्म अथॉरिटी एंड पावर इन प्लेस ऑफ ईच अदर। दिस बोथ टर्म्स लुक्स सेम बट बोथ टर्म्स आर डिफरेंट। ये दोनों टर्म्स एक जैसे दिखती हैं पर दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं। पावर कैन बी लीगल एंड इट कैन बी इलीगल, इट कैन बी लीगल, इट कैन बी इलीगल, बट इफ आई टॉक अबाउट अथॉरिटी, अथॉरिटी वुड ऑलवेज बी लीगल, अथॉरिटी हमेशा लीगल होगी। वट डज इट मीन पावर तो हुई लीगल भी, पावर हुई इलीगल भी। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, रास्ते में जा रहा है कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति के पास अच्छा हट्टा कट्टा शरीर है, उसने क्या किया, उस व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया खींचकर और बोला इस रास्ते से जाएगा तो उस रास्ते से जाएगा, और व्यक्ति बेचारा उस रास्ते से चला जाता है। उसने पावर का यूज़ किया, पावर थी तभी थप्पड़ मारा, ऐसे कैसे मारता वो थप्पड़, हर कोई तो किसी को थप्पड़ मार नहीं सकता, लेकिन ये पावर कैसी थी इलीगल। वैसे ही एक पुलिस वाला किसी एरिया में खड़ा है, आगे हमारे सीएम साहब की गाड़ी आनी है, पुलिस वाले ने बोला आप इस रास्ते से मत जाइए, आप उस रास्ते से जाइए, और वो नहीं माना, पुलिस वाले ने डंडा उठाया, उसे मार दिया कि बोला ना आपको उस रास्ते से जाइए, यहाँ से सीएम की गाड़ी आएगी अभी। तो ये कौन सी पावर हुई, लीगल पावर। तो पावर जो लीगल भी हो सकती है, इलीगल भी हो सकती है, सोसाइटी में जो एक्सरसाइज की जाती है। लेकिन अगर मैं अथॉरिटी की बात करूँ, अथॉरिटी हमेशा लीगल होती है। प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कोई ऑर्डर देते हैं, अथॉरिटी उनके पास लीगल अथॉरिटी है। जज साहब कोई ऑर्डर निकालते हैं, अथॉरिटी उनके पास लीगल अथॉरिटी है, अथॉरिटी कभी लीगल नहीं होती। तो पावर जब लीगल हो जाती है तो उस लीगल पावर को अथॉरिटी भी बोल दिया जाता है। आई होप आपको दोनों की जो इंट्रोडक्शन है वो समझ आई होगी। जनरली आपने यही लिखना है कि दोनों टर्म्स को लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, दोनों टर्म्स को सेम यूज करते हैं, पर दोनों टर्म सेम नहीं है। सोसाइटी में पावर भी देखने को मिलती है, अथॉरिटी भी देखने को मिलती है। पावर लीगल भी हो सकती है, इलीगल भी हो सकती है, अथॉरिटी हमेशा लीगल होती है। पावर की बात की जाए तो फादर भी एक्सरसाइज करता है अपने बच्चों के ऊपर, सर्वेंट
के ऊपर उसका मास्टर एक्सरसाइज करता है, प्रिंसिपल अपने एजेंट के ऊपर एक्सरसाइज करता है, और अथॉरिटी की बात की जाए तो एक अथोराइज पर्सन जिसके पास लीगल पावर होती है वो जब अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करे वो अथॉरिटी कहा जाता है। ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। तो आइए अब पावर के कंसेप्ट के साथ आगे पढ़ते हैं। ये इंट्रोडक्शन आपकी दोनों पार्ट्स के लिए होगी। ये इंट्रोडक्शन आपकी पावर आ जाए टॉपिक तो भी आप लिख सकते हो, अथॉरिटी आ जाए तो भी लिख सकते हो, दोनों इकट्ठे टॉपिक आए पेपर में तो भी आप लिख सकते हो। अब शुरू करते हैं मीनिंग के साथ कि पावर का मीनिंग क्या होता है। तो मेरे दोस्तों अब मीनिंग से शुरू करते हैं और मैं अब पावर के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए अथॉरिटी को मैं रफ कर देता हूँ। अथॉरिटी हम बिल्कुल नहीं आगे पढ़ेंगे, हमने पावर के बारे में सब कुछ पढ़ना है, अथॉरिटी हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम पावर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, पावर होती क्या है। तो अगर मैं मीनिंग की बात करूँ मेरे स्टूडेंट्स पावर की, तो पावर को डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करने की कोशिश करी है। जनरल अगर मैं बताऊँ आपको तो पावर का मतलब होता है, पावर मीन्स एबिलिटी टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर, एबिलिटी टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर्स इवन विदाउट अदर्स कंसेंट। What I said to you कि पावर का मतलब होता है एक क्षमता, एक एबिलिटी जिसके माध्यम से हम किसी दूसरे बंदे का बिहेवियर कंट्रोल करते हैं, चाहे उस व्यक्ति की उसमें कंसेंट हो या ना हो। पावर का मतलब क्या होता है कि जब मेरे अंदर ये एबिलिटी आ जाएगी कि मैं किसी के बिहेवियर को कंट्रोल कर पाऊंगा, चाहे उसकी कंसेंट उस बिहेवियर को कंट्रोल करने में हो ना हो, पर अगर मैं उसका बिहेवियर कंट्रोल कर सकता हूं तो ये पावर हुई। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल सोसाइटी में देता हूं जो पावर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा है, दूसरे व्यक्ति ने बोला कि तू इस रास्ते से नहीं जाएगा, तू उस रास्ते से जाएगा, और वो व्यक्ति डर कर दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। ये पावर है, ये इलीगल पावर होगी, लेकिन ये पावर है क्योंकि इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, एक व्यक्ति ने दूसरे के बिहेवियर को कंट्रोल किया, ये पावर है। चाहे उसकी कंसर्न नहीं थी, वो उस रास्ते से जाना चाहता था, उसका बिहेवियर उस रास्ते से जाना चाहता था, वो बिहेवियर उसका ये था कि उस रास्ते से जाना चाहता है, लेकिन दूसरे बंदे के पास एक एबिलिटी थी कि उसने उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर दिया, रेगुलेट कर दिया, ये पावर है। दूसरा मैं आपको पावर का एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक सोसाइटी है और सोसाइटी में प्रधान बोलते हैं, प्रधान नहीं गांव का कोई आप बड़ा पर्सन ले लो, वो ये बोलता है कि इस सोसाइटी में इस एरिया में कोई भी धूम्रपान नहीं करेगा पब्लिकली, और सारे लोग जो हैं वो धूम्रपान करते हैं, पर अब उनका बिहेवियर कंट्रोल हो गया, वो धूम्रपान करना उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने स्मोकिंग करना पब्लिक प्लेस में छोड़ दी। ये पावर है जो उस बंदे ने एक्सरसाइज करी। पावर किसी भी तरह की हो सकती है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, इलीगल, जस्ट, अनजस्ट, किसी तरह की पावर हो सकती है। पावर होती क्या है, जब हम किसी का बिहेवियर कंट्रोल कर देते हैं। एक व्यक्ति हर रोज जाके किसी को मारता है, थप्पड़ मारता है कॉलेज में। मान लो एक व्यक्ति किसी के साथ लड़ाइयां करता है, दूसरा व्यक्ति आता है वो उसको धमकाता है, अगर तूने आज के बाद लड़ाई करी तो तेरा बुरा हाल हो जाएगा, मैं बता देता हूं। और दूसरा व्यक्ति जो किसी को मारता था वो समझ गया कि अगर मैं लड़ा तो मेरा बुरा हाल हो जाएगा, उसने लड़ाइयां करना बंद कर दी। अब ये पावर है उस व्यक्ति की जिसने उसको बोला कि तू लड़ाइयां करना बंद कर दे नहीं तो तुझे मारूंगा। पावर है, तभी तो उसका बिहेवियर कंट्रोल कर दिया, ये पावर है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आपने सोसाइटी में देखा होगा लोग भीख मांगते हैं, लोगों ने आपसे भीख मांगी, आपने पैसे नहीं दिए, दूसरे व्यक्ति ने भीख मांगी, आपने पैसे दे दिए। क्यों दिए पैसे? उस भीख मांगने वाले व्यक्ति के पास ऐसी एबिलिटी थी कि उसने आपका बिहेवियर कंट्रोल कर दिया, आपके बिहेवियर को अट्रैक्ट कर दिया, और आपने उसके ऊपर तरस खाकर उसको पैसे दे दिए। What does it mean कि पावर means एबिलिटी टू वन पर्सन वाई विच ही कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर पर्सन। आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो मेरे दोस्तों अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं तो हमारे मैक्स वेबर बोलते हैं, पावर इज द एबिलिटी टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ देयर कंसेंट। इन्होंने वही डेफिनेशन बोली जो मैंने अभी एक्सप्लेन करी कि पावर का मतलब है किसी दूसरे के बिहेवियर को कंट्रोल करना इवन विदाउट देयर कंसेंट, उनका चाहे कंसेंट ना हो उसमें, उनकी चाहे उसमें अनुमति ना हो, उनकी चाहे उसमें इच्छा ना हो, पर फिर भी अगर आप उसका बिहेवियर कंट्रोल कर देते हो उसकी कंसेंट के अगेंस्ट जाकर, ये पावर होगी मैक्स वेबर के अनुसार। अगर मैं आयान रॉबर्टसन की बात करूं, आयान रॉबर्टसन, ये क्या बोलते हैं, पावर इज द कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। व्हाट ही सेइंग कि पावर का मतलब है डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन देने में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करना। सोसाइटी में हम लोग बहुत समय अपना अपना डिसीजन आगे रखते हैं। जब एक व्यक्ति किसी काम को करवाने के लिए इफेक्टिवली डिसीजन मेकिंग में एंटर कर जाए तो वो पावर हुई उसकी। मान लो मैं ये बोलता हूँ मेरा डिसीजन है कि ये काम करना है,
मैंने इफेक्टिवली डिसीजन दिया अपना क्योंकि मेरी पावर है तो मैं डिसीजन दे पाया, ऐसे मैं डिसीजन नहीं दे पाता। तो डिसीजन का मतलब, सॉरी पावर का मतलब क्या होता है, एक कैपेसिटी, एक एबिलिटी एक पर्सन के पास जिसकी एबिलिटी के माध्यम से वो डिसीजन मेकिंग में क्या करता है, प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। दिस इज अबाउट पावर। आई होप आपको दो डेफिनेशन समझ आई होंगी। आइए पावर के टाइप्स जानते हैं और पावर के सोर्सेज के बारे में जानते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं पावर के टाइप्स या सोर्सेज की बात करूं, तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पावर का मतलब होता है किसी के बिहेवियर को कंट्रोल करना, पावर का मतलब होता है किसी से कुछ काम करवाना, ये भी पावर हुई। और मैं किसी से कुछ काम करवा दूँ उसकी इच्छा के बिना, वो मेरी पावर है, तभी मैं काम करवा पा रहा हूँ, ये भी पावर हुई। तो पावर के टाइप्स और सोर्सेज की बात करूँ, तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति दूसरे से कुछ काम करवाने के लिए या एक व्यक्ति दूसरे के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर सकता है। पहली बात, वो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस का यूज़ कर सकता है, उसके ऊपर वो इन्फ्लुएंस का यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक टीचर है, वो टीचर अपने स्टूडेंट से कुछ काम करवाना है, उसने उसके बिहेवियर को रेगुलेट करना है, होमवर्क करवाना है, तो टीचर अपने स्टूडेंट को बोलेगा और स्टूडेंट का टीचर का स्टूडेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस होगा, स्टूडेंट के ऊपर अपने टीचर का इन्फ्लुएंस होगा, प्रभाव होगा, उसकी वजह से वो काम कर लेगा। मतलब पावर इन्फ्लुएंस अगर बंदा कोई एक्सरसाइज करता है तो वो भी पावर तो हुई। अगर मैं मान लो किसी के ऊपर मेरा इन्फ्लुएंस है और वो मेरे इन्फ्लुएंस में आगे कोई काम कर रहा है तो मेरी पावर है, तभी तो वो ऐसा कर रहा है, अदरवाइज वो ऐसा क्यों करता। दूसरा, एक व्यक्ति किसी को थ्रेट कर सकता है, एक व्यक्ति किसी को थ्रेट धमकी दे सकता है। अगर मैं किसी को धमकी दूं और धमकी देकर कोई काम कराऊं तो ये भी एक पावर का यूज तो हुआ। मैंने किसी को इन्फ्लुएंस कर दिया, किसी को थ्रेट कर दिया, या मैंने किसी को कोर्स किया, कोर्स मतलब एक काइंड ऑफ फोर्स, मैंने फोर्स यूज कर दी, थ्रेट डराना, फोर्स धमकाना, इन द सेंस मैंने गन उठाई और उसके ऊपर रखी, ये काम कर, उसने किया। मतलब बोलने का कि पावर कैन बी यूज्ड बाय वे ऑफ इन्फ्लुएंस, थ्रेट, कोर्सन, बाय काजोल। भाई काजोल, काजोल का मतलब क्या होता है, किसी को मीठी मीठी बातें बताकर अपने अंडर करना। अगर मैं किसी को मीठी मीठी बातें करता हूँ और वो मेरे इन्फ्लुएंस में आता है, वो मीठी मीठी बातें सुनकर फिर कोई काम करता है जो मैंने बताया उसको, तो ये भी क्या हुआ, ये भी पावर हुई मेरी एक्सरसाइज करने की उसके ऊपर। तो पावर के लिए एक्सरसाइज इन वेरियस वेज, इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंस, इन द फॉर्म ऑफ थ्रेट, इन द फॉर्म ऑफ कोर्सन, इन द फॉर्म ऑफ काजोल। देयरफोर अगर मैं टाइप्स की बात करूँ मेरे दोस्तों, तो आप लिखोगे पावर कैन बी लीगल, पावर कैन बी इलीगल, पावर कैन बी जस्ट, पावर कैन बी अनजस्ट। ये पावर की टाइप्स हैं। पावर लीगल भी हो सकती है, लॉफुल तरीके से कोई यूज़ कर रहा है, इलीगल भी हो सकती है, इलीगल तरीके से कोई यूज़ कर रहा है, जस्ट भी हो सकती है, सही यूज़ कर रहा है, अनजस्ट भी हो सकती है, वो पावर ऐसे यूज़ कर रहा है जो लोगों की नज़रों में जस्ट नहीं है। दो पर्सन आपस में लड़ रहे हैं, तीसरा जाता अपनी पावर दिखा, दोनों को अलग कर देता है, जस्ट पावर, जस्ट पावर से उनको छुड़ाया, क्यों छुड़ाया, ताकि वो आपस में एक दूसरे का कहीं मर्डर ना कर दें, कोई क्राइम ना हो जाए, जस्ट पावर है। दो पर्सन आपस में लड़ रहे हैं, एक को लगा पता है मेरा दुश्मन है, जाकर उसको दिया मुक्के मार कर, दो तीन अलग से मारे मुक्के, उसको छुड़ाया नहीं, मुक्के मारे, अनजस्ट पावर है। क्यों पावर से ऐसी यूज करी, इलीगल पावर है। लीगल पावर क्या है, एक पुलिस ऑफिसर जा रहा है रास्ते में और उसे लगता है पता कि सामने वो बंदा चोरी का सामान लेकर भाग रहा है और लड़की बोल रही है पकड़ो पकड़ो, पुलिस वाला जानता है कि यार मैं पुलिस वाला हूँ, बेशक आज मैं ड्यूटी पे नहीं गया हूँ लेकिन मैं हूँ पुलिस वाला, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इस बंदे को जिसने ऑफेंस किया उसको पकड़ूँ। लीगल पावर है, उसने पकड़ लिया उसको, तो ये लीगल पावर है। अब उसे भागने दिया तो ये लीगल पावर है। दिस इज अबाउट पावर के टाइप्स। अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ तो एक बंदा पावरफुल कैसे बन सकता है, एक बंदा पैसे से पावरफुल बन सकता है, वेल्थ, एक बंदे के पास अच्छी वेल्थ है तो वेल्थ से उसकी पावर आगे ड्राइव होगी, वेल्थ है उसके पास, पैसा उसके पास काफ़ी रिच है, वो पावरफुल माना जाएगा। दूसरा, उसकी स्टेटस है, एक बंदे का सोसाइटी में स्टेटस ही ऐसा है उससे सब डरते हैं, उसका स्टेटस ही ऐसा है, वो सभी की हेल्प करता है, सभी उसकी बात मानते हैं, उसके पास पावर है। पावर की सोर्सेज, वेल्थ से भी पावर आती है, पैसा है बहुत तो बंदा पावरफुल बन सकता है, स्टेटस उसका अच्छा सोसाइटी में, कोई बंदा आई पी एस ऑफिसर रिटायर्ड है, उसका एक नाम आई पी एस ऑफिसर था, वो उसके नाम में पावर है, स्टेटस आपका सोसाइटी में अच्छा तो पावर उसके पास रहेगी। तीसरी, प्रेस्टीज, एक बंदा की सोसाइटी में अच्छी प्रेस्टीज है तो ये भी एक सोर्स माना जाएगा पावर का। इसके अलावा, तो दीज आर सोर्स ऑफ पावर। आई होप आपको टाइप्स एंड सोर्स में पता चला होगा कि सोर्स पावर के टाइप के होते हैं, पावर लीगली भी हो सकती है, इलीगली भी हो सकती है, जस्ट अनजस्ट किस तरह की पावर हो सकती है। अगर बात करें सोर्स की, तो पावर कहाँ से ड्राइव होती है, अगर बंदा अमीर है, वेल्थ, रिच है बंदा काफ़ी, तो भी पावर उसके पास आ जाएगी। अगर उसका स्टेटस है अपना सोसाइटी में तो भी पावर आ जाएगी, अगर उसकी अपनी प्रेस्टीज सोसाइटी में तो भी उसके पास पावर होगी। तो ये होती है हमारे टाइप्स एंड सोर्स। अब डिस्कस करते हैं पावर की इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं पावर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पावर की ये बन सकती है कि इट्स यूनिवर्सल फिनोमिना।
पावर यूनिवर्सल फिनोमिना है, पावर हर जगह एग्जिस्ट करती है। वेयर देयर इज सोसाइटी देयर वुड बी पावर, इवन दो पावर मे बी लीगल, पावर मे बी इलीगल, पावर मे बी जस्ट, मे बी अनजस्ट, बट इफ देयर इज सोसाइटी देयर वुड बी पावर इन वन वे और अदर वे। हमारे इंडिया में देख लो अभी भी पावर का यूज किया जाता है, पहले ही पावर यूज होता है जहां पे सोसाइटी होगी, इंडिया सोसाइटी है, अमेरिकन सोसाइटी है, अफ्रीकन सोसाइटी है, एग्रेरियन सोसाइटी है, रूरल सोसाइटी है, अर्बन सोसाइटी है, ट्राइबल सोसाइटी है, जितनी भी सोसाइटीज हैं इन सब में पावर का यूज तो होता ही होता है। पावर एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, हर जगह विद्यमान है, सार्वभौमिक फिनोमिना है। दूसरा आप ले सकते हो एंशिएंट, पावर कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये कोई आज या कल में आया हुआ कंसेप्ट नहीं है, पावर एक एंशिएंट कंसेप्ट है, बहुत पुराना कंसेप्ट है। पावर, द कंसेप्ट ऑफ पावर इज एज ओल्ड एज द सोसाइटी इटसेल्फ। जितनी पुरानी सोसाइटी है उतनी पुरानी पावर है। पहले भी लड़ाइयां होती थी, अब भी लड़ाइयां होती हैं। पहले भी पावर एक्सरसाइज की जाती थी, अब भी पावर एक्सरसाइज की जाती है। पहले भी राजा महाराजा लड़ते थे, अब भी लड़ाइयां होती हैं। मेरा बोलने का मतलब क्या है, पावर कोई आज का नया कंसेप्ट नहीं है, पावर एक बहुत पुराना कंसेप्ट है। तीसरा आप लिख सकते हो पावर एंड प्रेस्टीज आर लिंक्ड। अगर मैं बात करूं पावर और प्रेस्टीज की, तो पावर और प्रेस्टीज दोनों आपस में लिंक करते हैं, दोनों आपस में क्लोजली कनेक्टेड हैं। जहां भी पावर होगी उस बंदे की प्रेस्टीज सोसाइटी में होगी, और जहां प्रेस्टीज के बंदे की है तो उसकी पावर अपने आप हो जाती है। एक हमारे स्कॉलर है रोज जी ने क्या बोला है कि एक ग्रुप जो बहुत प्रेस्टिशियस होगा, प्रेस्टिजियस होगा, जिस ग्रुप की बहुत ज्यादा प्रेस्टिज होगी वो पावरफुल होगा होगा। अ ग्रुप विच वुड बी मोर प्रेस्टिजियस वुड बी पावरफुल एंड अ ग्रुप विच इज मोर पावरफुल वुड बी प्रेस्टिजियस वन आल्सो। ये रोज ने बोला हुआ है। तो मतलब पावर एंड प्रेस्टिज दोनों आपस में लिंक करते हुए कंसेप्ट है। एक और मैं बात करूं तो आप देख सकते हो पावर डिफरेंट फ्रॉम अथॉरिटी। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है पावर की, कि पावर जो अथॉरिटी से डिफरेंट है। अथॉरिटी एंड पावर को दोनों को सेम यूज किया जाता है, सेम सेंस में यूज किया जाता है, लेकिन दिस बोथ टर्म्स आर डिफरेंट, बोथ आर नॉट सेम। पावर मे बी लीगल, पावर मे बी इलीगल, बट अथॉरिटी वुड ऑलवेज बी लीगल पावर, अथॉरिटी हमेशा लीगल पावर होगी। तो दिस बोथ आर डिफरेंट, ये आप एक कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है पावर की। इसके अलावा आप लिख सकते हो राइट एंड पावर, कि राइट और पावर का क्या संबंध है। अगर बोलूँ ये मेरा राइट है तो क्या इसका मतलब ये हो ये मेरी पावर है? नो, आप याद रखना राइट प्लस प्रिविलेजेस, जो राइट प्लस प्रिविलेजेस हैं हमारी, ये क्लोजली कनेक्ट करती हैं अथॉरिटी के साथ। द राइट एंड प्रिविलेजेस आर क्लोजली कनेक्टेड विद अथॉरिटी बट नॉट विद द पावर। पावर डजंट मीन राइट। अ पर्सन इफ एक्सरसाइज हिज पावर वुड नॉट बी मीन एक्सरसाइज हिज राइट। इफ ए स्लैप टू बी, इफ ए स्टैब टू बी, एक दूसरे के पेट में चाकू मार दिया तो उसका राइट थोड़ा चाकू मारना, उसको उसने पावर एक्सरसाइज करी हम बोल सकते हैं, तो उसने राइट ने एक्सरसाइज किया। राइट जो होता है वो लीगल होता है, पावर इलीगल भी हो सकती है। तो बोलने मतलब क्या हुआ कि राइट एंड पावर जो है ये दोनों आपस में सेम कंसेप्ट नहीं है, दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है। राइट और प्रिविलेज हमेशा अथॉरिटी के लिंक में होते हैं, पावर के लिंक में नहीं होते। आप ये बात इसमें लिख सकते हो, और आप ये लिख सकते हो पावर एंड इन्फ्लुएंस। पावर और इन्फ्लुएंस दो टर्म्स हैं, इन दोनों को सेम माना जाता है, पर दोनों सेम नहीं है। अगर मैं पावर की बात करूं तो इसका डायरेक्टली लिंक करता है कोर्जन के साथ, कोर्जन के साथ, सी कोर्जन के साथ, फोर्स का पावर का यूज करता है कोर्जन, दबाव, फोर्स का। पर इन्फ्लुएंस हमेशा परसुएसिव होता है, परसुएसिव, परसुएसिव मतलब किसी का परसुएड करना, किसी का अनुसरण करना। वैसे हम दोनों को सेम बोलते हैं, इसमें कोई दोराई नहीं है। हम इन्फ्लुएंस को पावर की जैसा बोल देते हैं। अगर कोई बता किसी का इन्फ्लुएंस कर रहा है तो इन्फ्लुएंस इसलिए करेंगे उसके पास पावर है, उसका किसी से अपने आप को इन्फ्लुएंस करवाने का, मतलब मेरा कोई अनुसरण कर रहा है, मेरी कोई बात मान रहा है, मेरे इन्फ्लुएंस में कोई है तो मेरी पावर है, मेरी इन्फ्लुएंस में वो है, तभी तो मेरी पावर, तभी वो इन्फ्लुएंस में, अदरवाइज वो औरों के इन्फ्लुएंस में क्यों ना है। ये दोनों टर्म सेम ली जाती है, पर इनमें डिफरेंट ये है कि पावर में कोर्जन ज़्यादा होता है, इन्फ्लुएंस में परसुएशन ज़्यादा होता है, परसुएसिव नेचर की होता है, मतलब किसी का अनुसरण करना। तो ये दीज आर कैरेक्टर्स, आई होप आपको समझ आई होंगी। इसके अलावा मेरे दोस्तों आप ये भी लिख सकते हो कि पावर जो है वो डायनामिक कंसेप्ट है, आप ये लिख सकते हो पावर बदलती जाती है। आज पहले क्या होता था, पावर मानी जाती थी एक व्यक्ति जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, अच्छा उसकी सेहत हो, अच्छे उसके पास दम हो,
तो उसको पावरफुल माना जाता था। समय बदलता गया, आज एक व्यक्ति जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा है, जो अपने घर में बैठे पूरे कंट्री का सिस्टम हिला सकता है, इन द सेंस कि उसके पास कुछ ऐसा कंप्यूटराइज दिमाग है उसका कि उसने सभी के गवर्नमेंट के कंप्यूटर्स को हैक कर सकता है, वो तो वो भी पावरफुल तो हुआ। तो पावर चेंज होते जाते, कंसेप्ट चेंज हो रहा है। पहले पावर हमेशा फिजिकल वे में देखी जाती थी, अब पावर फिजिकल वे के अलावा मेंटल वे, साइकोलॉजिकल वे में भी देखी जाती है। तो पावर का एक डायनेमिक कंसेप्ट है, आप ये भी इसमें लिख सकते हो। आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी। मेरे दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज मैंने वीडियो में आपको पावर के बारे में बताया, पावर के कंसेप्ट के बारे में अच्छे से समझा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।